अगली खबर का रुख करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनावी इतिहास दोहराने के लिए अभी से जुट गई है। राज्य में जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दर्जन से ज्यादा सभाएं आने वाले दिनों में करने वाले हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर टॉप गियर में काम कर रही है। तमाम बड़े नेता विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी की कमजोर कड़ी को जोड़कर मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। बीजेपी कमजोर सीट पर तो काम कर ही रही है, लेकिन वो 2019 में जीती हुई किसी भी सीट को हारना नहीं चाहती। इसी के तहत बीजेपी पश्चिम बंगाल से भी अच्छी खासी सीट लाना चाहती है। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की खातिर पार्टी के नेता दिन रात एक किए हुए हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपने देखा होगा, जिस प्रकार से वहाँ पे राजनीतिक हिंसा होती है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के जनता के साथ खड़े हैं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं और अवश्य रूप से हमको पहले से ही सीटें प्राप्त होगी। पश्चिम बंगाल के सियासी माहौल को भाजपा में करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता 2023 राज्य के ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने तय किया है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले हर महीने पार्टी के तीन सबसे बड़े नेता बंगाल में कम से कम एक यात्रा जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में 14 जनसभाएं कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 12-12 रैलियां कर सकते हैं। जो तय किया गया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री 2023 में लगभग हर महीने पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाएंगे, जो कि 2024 के फरवरी तक चलेगा। कुल 14 जनसभाएं प्रधानमंत्री इस एक सवा साल के अंदर पश्चिम बंगाल में करेंगे। इसके अलावा दूसरे वरिष्ठ नेता अमित शाह वो 12 सभाएं पश्चिम बंगाल में करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 12 सभाएं पश्चिम बंगाल में करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीट जीती थी और इस बार बीजेपी का लक्ष्य इसमें इजाफा करना है। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज 24।